दीदी ने जय बच्चे को किडनैप कर लिया है और वो कह रही है ये बागे खोल माओ वरना हम बच्चे को मार देगा। खुदारा मेरी एक ही बेटी है, खुदारा उसे बचा ले। हमारा एक ही डिमांड है, अपने शोहर को बोलो ये बागे खोल दे, खुदारा उसको बचा ले। कोई गोली ना चलाए, ये लो तुम्हारा एक ही बच्चा है, अच्छा करने के वास्ते 5 मिनट देता है। इसकी बात मान ले, बच्चे को बचा ले। नहीं, मैं जेल के उसूल और कानून नहीं तोड़ सकता। बच्चे इस जगह होता और आप मेरी जगह होते तो क्या आप बच्चे को ना बचाते? ठीक कहा तुमने, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब से तुम जेल में आई हो आज पहली बार तुम्हें बोलते सुना है, वो कौन सा ऐसा दुख है जिसने तुमसे बोलने की ताकत भी छीन ली? दुख बताने से कम होते हैं, ये सच है, लेकिन मेरा दुख ऐसा है जिसे मैंने जुबान पर लाकर फरियाद और आंख में लाकर आंसू बनने नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई मेरी फरियाद सुनकर मेरी मदद करे, मेरे आंसू देखकर मुझ पर रहम खाए। मेरे दुख मेरे अपने हैं, मुझे खुद ही इनका हिसाब रखना है और खुद ही ये हिसाब चुकाना है। ये बिजली की गरज चमक मुझे तुम्हारी याद दिला रही है इमरान, मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हम दोनों हनीमून के लिए गए हुए थे। Thank you.
ठीक है, तुम इमरान के साथ ही कोर्ट से घर आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। ओके। किसका फोन था? दो ही वकील है मेरी जिंदगी में, एक मेरा शौहर और दूसरी बचपन की सहेली सलमा। सुनो, आज तुम्हारे साथ वो कोर्ट से घर आएगी। ए, गाड़ी में तंग ना करना। हूँ अरे सरकार। हाँ। आपके होते हुए उसे तंग करने की क्या जरूरत? बाय द वे, ये कोर्ट जाने का वक्त है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये प्यार करने का वक्त है तो? जी नहीं, प्यार के वक्त प्यार, काम के वक्त काम। वैसे भी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लगने वाला है और मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर कुलदीप हारे और इल्जाम बीवी के प्यार पर आए। अच्छा जी, जो हुक्म आपका। इजाजत, बाय, गुड लक। हमारी बैड लक तो उसी दिन से शुरू हो गई थी मेरे हर पुलिस बॉस, जिस दिन टोनी के केस के लिए एडवोकेट इमरान का नाम आया था। अपने पेशे की ईमानदारी से लेकर कानून की वफादारी तक तमाम छोटी बड़ी किताबें खोल कर दी गया है पागल का पुत्र। वो देखो चला रहा है हाथ में लिए तुम्हारे भाई की मौत का परवाना। अरे उधर तो देखो बॉस, रुक जाओ इमरान, हमारे बॉस की बात सुनो। तुम जिस मुलजिम को मौत की सजा दिलवाने जा रहे हो मिस्टर लायर, मैं उसका भाई हूं। बहुत प्यार है मुझे उससे, मैं उसे खोना नहीं चाहता, चाहे उसके बदले में मुझे अपना सब कुछ क्यों ना खोना पड़े या किसी का सब कुछ क्यों ना छीनना पड़े। आपके जज्बात मुझ तक पहले भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं अपने बेदाग पेशे पर दाग लगाना नहीं चाहता। बाबा, लगता है ये अतले जहांगीर की औलाद हमें टोनी की मौत का दुख देकर ही रहेगा। प्लीज बॉस, मेरे टोनी को बचा लो। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा हुआ इंसान इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है, और जब तक कानून ने इसके हाथों में हथकड़ी नहीं डाली थी, शहर के किसी न किसी सड़क पर किसी न किसी बाब में हर रोज एक मासूम लड़की की लाश मिलती थी। योर ऑनर, यही वो घिनौना कातिल है जिसने नामालूम कितनी मासूम लड़कियों को अपनी हविस की भेंट चढ़ा दिया। योर ऑनर, आज हर आंख में इसके लिए इकारत, जुबान पर इसके लिए बद्दुआ और हर दिल में इसके लिए नफरत। योर ऑनर, इस कातिल सफाक और दरिंदे के लिए कोई ऐसी सजा तजवीज कीजिए कि ये आईना इबरत बन जाए, ताकि आइंदा कोई दरिंदा सिफत इंसान इस सरजमीन पर सर न उठा सके। अदालत आइंदा पेशी तक बर्खास्त की जाती है। घबराना नहीं टोनी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नहीं मार सकता। क्या सोच रहे हो बॉस? यही सोच रहा हूं कि अब कौन सा पत्ता फेंकूं, कौन सा तीर चलाऊं। तीर कमान का जमाना तो नहीं है, हाल बता, पत्ता फेंकना है तो किसी जुएखाने में चलते हैं। जुएखाने में बैठा है और मेरा यार जुआ नहीं खेल रहा, हैरत की बात है। मैंने जुआ छोड़कर जिंदगी संवारने का सोच लिया है। वो किस लिए? इसलिए ये क्या है? ये वो चाबी है जिससे मैं और तुम अपनी किस्मत पर लगा हुआ गुर्बत का ताला खोल सकते हैं। मैं समझा नहीं। ये रिश्वत है मेरे दोस्त, अगर तुम एक मुकदमे में अपनी सुबह
और अपने जमीर की आंखें बंद कर लो तो ये नोट आधे मेरे और आधे तुम्हारे हो जाएंगे, मेरी जिंदगी बन जाएगी। और किसने दिए हैं तुम्हें ये डॉलर? हमने। देव तुम्हारा दोस्त है, तुम इसकी जिंदगी संवारना भी चाहते हो, इसलिए हमने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं जमीर बेचकर मुश्किलें आसान करने का रवादार नहीं। तुमने गलत चाल चली है टोनी के भाई। मैं दोस्त की खातिर जान दे सकता हूं लेकिन ईमान नहीं बेच सकता। तुम भी याद रखना और तुम भी। अब क्या होगा जैकी साहब, ये इतनी दौलत अब भी तुम्हारी हो सकती है अगर तुम। अगर मैं? अगर तुम वकील के दोस्त से वकील के दुश्मन बन जाओ। इतनी दौलत के लिए तो मैं अपनी जान का दुश्मन भी बन सकता हूं। अरे सिस्टर, तुम यहां नाश्ता बना रही और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रहा हूं। देव भैया कहां है तुम्हारे साहब? हाँ, तुम दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ है? हाँ, दो दिन से इमरान का मूड बहुत खराब है। अच्छा, कह रहा था। क्या कह रहा था? कुत्ते की तुम, जिसे जितना चाहे सीधा करने की कोशिश कर लो लेकिन रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी। देख इमरान, मैं तेरे लिए, तेरी दोस्ती के लिए हर चीज को ठोकर मार कर आया, अब मेरे साथ ज्यादा बकवास ना कर। ये जो लालच होता है ना, ये प्यार मोहब्बत दोस्ती रिश्ते नाते सबको भुला देती है, पत्थर बना देती है इंसान को। तू इसे दिल से निकाल दे। चलो निकाल दिया भाई, निकाल दिया। और इसका सबूत ये है कि मैंने जॉब कर ली है। सच भैया? हाँ सिस्टर, और ये सब इस उल्लू बाटे की खुशी के लिए किया है मैंने। और अब तुम दोनों मेरी खुशी के लिए आज रात मेरे साथ क्लब चलोगे। मैं तो नहीं जा सकूंगी भैया, ये छोटी पिंकी है ना, इसे कई रोज से बुखार आ रहा है। थोड़ी देर के लिए तो आना होगा सिस्टर, इसलिए कि ये मेरी बर्थडे पार्टी है। लेकिन यार वो बस कह दिया मैंने। लेडीज फर्स्ट, वेट, इकट्ठा पिएंगे और एक ही सांस में पिएंगे। पी सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। We'll be right back.
दे भैया। मैं गिर रही हूँ। भैया मेरा सर चकरा रहा है। ये देव के साथ शराब पीकर मस्ती करने वाली औरत कौन है? उसके दोस्त वकील की बीवी। बेचारा वकील यही समझता है ना कि दोनों बहन भाई हैं, मगर शराब ने दोनों की असलियत खोल दी। अब देखो ना, कभी इस तरह भी बहन भाई बेहयाई से जिस्म टकराते हैं। शट अप ज़लील कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे छोड़ दो मुझे। इमरान, इसने मेरी बीवी को गाली दी है, मैं उसे दफन कर दूंगा। इमरान, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगा। मैंने तुम लोगों के चेहरे पहचान लिए, याद रखना, जिंदा नहीं छोड़। साइमा, होश में आओ। साइमा, मुझे क्या हो गया? मुझे घर ले चलो। ओह साइमा, वो यकीनन जैकी के आदमी थे। मुझे तो डर लग रहा है इमरान, तुम भी ये केस छोड़ दो। लेकिन साइमा, वो और मैं भी अब कभी ऐसी पार्टियों में नहीं जाऊंगी। इमरान, तुमको यकीन है ना, मेरी वफाई सिर्फ तुम्हारे लिए है। और देव, ओहो भाई, देव मेरा दोस्त और तुम्हारा भाई है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हैं? इन हालात में अच्छी आया का मिल जाना भी गुड लक है। तुम ऐसा करो, तुम उसे कुछ एडवांस कर दो। ठीक है। ओके, सी यू, बाय। क्या बात है आया, बेबी क्यों रोती है? मैडम, लगता है बेबी को टेम्परेचर बहुत हो गया हाई। ओहो, ये ऐसे चुप नहीं होगी। लाओ मुझे दे दो। ओ मेरा बेटा, पापा कोर्ट चले गए, अब हम भी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर दवा देगा और बुखार पूरा चुप। भैया आइए ना, ये चोट कैसे लगी? रात तुम लोग तो आ गए, मैंने उन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया जिन्होंने हम बहन भाई के रिश्ते पर कीचड़ उछाला था। बस उसी मारामारी में चोटें आ गई। मेरे तो जी चाह रहा था कि मैं मर ही जाता उनके हाथों से। कम से कम तुम्हारे सामने तो मेरी नजरें नहीं झुकती। नजरें उनकी झुकती हैं जिनके दिलों में मैल हो। देखो भैया, जब हमारे दिल साफ है तो हमें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। कैसी तबीयत है इसकी? अरे जी, इसे तो बहुत बुखार है। हाँ, तभी तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। डॉक्टर पाशा बच्चों का बहुत अच्छा डॉक्टर है। लेकिन मैं नहीं जानती। मामा तो जानता है ना इसका, मैं लिए चलता हूँ। आओ आओ। ये कैसे क्लिनिक है भैया? अरे ये डॉक्टर का घर है, बहुत काबिल डॉक्टर है। आओ आओ चलो। हेलो डॉक्टर। हेलो, बच्ची को यहाँ लिटाइए।
कौन सा दूध पीती है बच्ची, डब्बे का या माँ का? जी माँ का। ओहो, फिर तो माँ का भी चेकअप करना पड़ेगा। जी आप भी लेट जाइए। जी मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हैं, आपके दूध की वजह से ही बच्ची बीमार हो गया। इसे कह लेट जाए। हाँ हाँ लेट जाइए प्लीज। अब पलट जाइए। डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, इस ब्रॉथल हाउस का मास्टर। ब्रॉथल हाउस? देव भैया। देव बोलो सिर्फ देव। अब अगर भैया बोला तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। बहुत दिनों से मेरी नजर थी तुम पर, आज तू जब अपने माथे पर ये दाग लेकर जाएगी तो उस ड्रामे का आखिरी सीन होगा जो मैं खेल रहा हूँ। ये सुन मत करो, मैं किसी की बीवी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। आयु शराब। नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जाने दो, ये उसी रास्ते पर जा रही है जिस रास्ते पर जाते हुए मैं इसे देखना चाहता हूं। इमरान! साइमा, साइमा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? साइमा! इमरान, बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा कर आई हूं, वो देव है ना, वो ना ही तुम्हारा दोस्त है और ना ही मेरा भाई, वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। तुम्हारे चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट, मुंह में जहरीली जुबान गवाही दे रही है कि तुम दोस्ती के नहीं नफरत के काबिल हो, सजा के मुस्तहिक हो। मैं वो हाथ काट डालूंगा जो मेरी बीवी की इज्जत की तरफ पड़े। आगे ना बढ़ना। नहीं। वरना जो मौत चंद घड़ियों बाद आनी है वो अभी आ जाएगी। ये सब तेरी चाल है देव, क्योंकि ऐसा ये मुझसे पूछे वकील साहब। तुमको मैंने कहा टोनी के केस को कमजोर बना दो, तुम नहीं माने। तुम्हारे दोस्त ने कहा बिक जाओ, तुम नहीं बिके। अब ये तुम्हारे दोस्त ही की प्लानिंग है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, इसलिए आज हम तीनों तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। तुम दोनों तो ठीक आए हो, लेकिन देव तुम। क्या करूं दोस्त, जिंदगी और हालात बदलने के लिए दौलत की जरूरत थी, और इतनी सारी दौलत सिर्फ दोस्ती बेचकर ही मिल सकती है। सॉरी दोस्त, इस दुनिया में जो वक्त से फायदा नहीं उठाता वो बहुत पीछे रह जाता है, और मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं। Ha 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 ha
भैया नहीं, मौत का भूत कहो भूत। हट जाओ साइमा कुत्ते। मुझे भी मार दो गोली, मुझे भी दो सजा। नहीं सलमा, ये सजा नहीं, इब्तिदा है उस जज्बे की जिसे तुम्हें और हमारे बच्चों को अपने सीनों में जिंदा रखना है। सलमा, ना हक की बात कहते हुए डरो, ना सच की बात कहते हुए डरो, और ना ही फर्ज की खातिर जान देते हुए डरो। द गेम इज ओवर। मैं एक एक को गोली मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पिस्तौल खाली है, तुम्हें और गोलियां चाहिए तो मेरे दोस्त के बदन से निकाल लो मेरी कातिल भाभी। तुमने तुमने मेरे शौहर को मारा है, तुमने। कैसे साबित करोगी? पिस्तौल पर तो उंगलियों के निशान तुम्हारे हैं। घर तुम्हारा है, ये तस्वीरें भी तुम्हारी हैं, जिन्हें देखकर तुम्हारा शौहर तुम्हें मारना चाहता था। और तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने शौहर को मार दिया। नहीं, 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 ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। आओ, जरा फोन तो करो पुलिस को। हेलो, पुलिस स्टेशन। सॉरी साइमा, मैं किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम फिक्र ना करना, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे बच्चे मेरे पास रहेंगे। मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सलमा, लेकिन कोशिश करना जो इल्जाम मुझ पर लगा है मेरे बच्चे को ना पता चले। मत बताना कि उनकी माँ कौन थी। Oh,
पूछ रहा है? तुम किसी को याद करता? बेटा चलेगा। हाँ हाँ इधर ऐसे इधर आओ इधर बेटा। आओ हाँ ऐसे। हाँ हाँ इधर ऐसे बैठेगा मेरा बेटा। हाँ तुम यहीं बैठो, मैं कोक लाती हूँ। अच्छा अच्छा मेरा बेटा, अच्छा देखो रोते नहीं है। अच्छा 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 शाबाश। हाँ ये ये पिंकी, पिंकी कहाँ चली गई? पिंकी पिंकी प्लीज गो होम, आप घबराए नहीं, हम बच्चे को तलाश कर लेंगे। प्लीज जल्दी तलाश कीजिएगा, वो मेरे पास किसी की अमानत थी। जिमी साहब, अरे ये क्या, इतनी छोटी बच्ची फिर मुंह तेरा। हालात ने तेरे मुंह पर भुर्जी बना दी है। परवेज साहब ने तुम्हें जवान लड़की अगवा करने के लिए कहा था, ये मासूम बच्ची वो नहीं खरीदेगा। ये मेरा इंतकाम है जिमी साहब, ये शहर की मशहूर लेडी लायर सलमारी की बेटी है जिसने मुझे सजा दिलवाई थी। तुम थे इसे काबिल, खबरदार हो। इसे नहीं खरीदेंगे तो मैं इसे यही काट कर दफन कर दूंगा। ओए मेरे सामने काट कर दफन कर दोगे? हैं? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुमने मुझे परवेज जैसा या उन जैसा जालिम समझ रखा है? मैं तुम्हारी गंदेरिया कर दूंगा। मैं आपको एक मशवरा दूं। बयान करो। इसे पाल लो और एक ऐसा शाहकार बनाओ जो तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए। कहीं ये नेक मशवरा तुम इस मासूम बच्ची को बेचने के लिए तो नहीं दे रहे हो? आपकी मर्जी है साहब, कुछ दे देंगे तो ठीक है। जी तो चाहता है कि मैं तुझे धक्के दे दूं, मगर फिर मुझे तुम्हारी हालत पर रहम आ गया है। ये पकड़ो 500 पीसू और किसी हजाम से अपनी हजामत करवा के इस क्रिमिनल फेस को वाश करो। आहा, मुझसे डरो नहीं बेटी, मैं कोई गंजी डायल नहीं हूं। आज से मैं तुम्हारा बाप हूं। अब मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जो ना तुम्हारा बाप बना सकता था और ना मां। पिंकी, पिंकी, आज फिर मैंने पिंकी को दलदल में गिरते हुए देखा है। ना जाने क्यों मुझे पिंकी के बारे में हमेशा बुरे ख्याल होते हैं। कहीं अटक तो नहीं गई वो? सलाम रूबी मेरा नाम, सब
को सलाम, रवि मेरा नाम। हमारी बेटी का कमाल, इसके सामने नहीं गलती किसी की दाल। इंसान एक वक्त में सिर्फ एक काम करता है, लेकिन हमारी बिटिया एक वक्त में 11 काम करती है, यानी कि एक और एक 11। ओह वाओ, ब्यूटीफुल माल तो खूब निकला है मिस्टर जिमी।
ओए बड़े लोटे, डोंट टच माई डॉटर। ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, ये शेरनी है, शेरनी। अभी तुम्हारे एक पंजा मारेगी, तुम्हारी सारी चर्बी निकालकर सबके पिकौड़े तल देगी। हम इस शेरनी से बहुत मुतासिर हुए हैं जिमी, हमें यकीन है कि ये एक दिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर रोशन करेगी। बस होशियार रहने की जरूरत है तो सिर्फ एक आदमी से। कौन है वो? यहाँ की पुलिस का खतरनाक इंस्पेक्टर सलमान, जो अपने शिकार पर बाज की तरह झपटता है। यस, ओके। ओके। Good. Come on. इंटरनेशनल टाइम, कैसा लगा? मेरा नाम बॉबी यानी बाबर है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। जी फरमाइए। मेरा मतलब है, आपने बचपन में मां का दूध पिया है या भैंस का? क्या मतलब? आजकल किस चक्की का आटा खाते हैं आप? योगा वर्जिश करते हैं या डंड बैठ के निकालते हैं? आप जर्नलिस्ट हैं या मस्खरे? हूं तो मैं जर्नलिस्ट, मगर खुश रहना और खुश रखना मेरी आदत है, क्या करूं। अच्छा, तो आप मेरी कारकर्दगी के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। तुम्हारी कारकर्दगी का ताल्लुक भी इन्हीं चीजों से है मेरी जान। यकीनन बचपन में आपने अपनी मां का दूध पिया होगा, यकीनन किसी पाकिस्तानी चक्की का आटा खाया होगा जो इस कदर ताकतवर है। तुमने ठीक पहचाना मेरी जान। सर,
सर आपके लिए कॉल है। हेलो, इंस्पेक्टर सलमान स्पीकिंग। इंस्पेक्टर सलमान फॉरेन नेशन कॉलेज पहुंचे हैं, पास स्टूडेंट ने हंगामा कर दिया है। ओके सर, ओके। सर मेरा इंटरव्यू का क्या होगा? सर 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 छोड़ दो मुझे। आंटी मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, इंस्पेक्टर के बच्चे तुम्हारे खाने में सही मिला दूंगी। तुम कुछ भी करो, आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी, समझी? आंटी क्या बात है, जब देखो लड़ाई मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। मैं भी तेरा सर तोड़ दूंगा। अरे रे, क्या हुआ है मम्मी? ये अपने पुलिस इंस्पेक्टर बनने का नाजायज फायदा उठाता है। बात क्या है आंटी? ये कॉलेज पढ़ने नहीं जाती, दंगा फसाद करने जाती है। आज के बाद ये कॉलेज नहीं जाएगी। अगर मैं कॉलेज नहीं गई तो तुम भी ये वर्दी पहन के नहीं निकलोगे घर से, सारी की सारी वर्दियों को आग लगा दूंगी। आंटी इसको कह दो कि मेरी वर्दी को कुछ न कहे। और तुम भी पुलिस वाले बनकर इस तरह हुक्म मत चलाया करो मामी, मुझे नहीं करना इससे शादी। ठीक है, मैं भी किसी काली कलूटी लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन तुम से शादी नहीं करूंगा, समझी? हाँ हाँ, अगर पुलिस वाले हो तो किसी काली कलूटी से शादी कर लेना। अरे क्यों सताते हो, अब बैठी रोती रहेगी, जा उसका मूड ठीक कर, जा ना। अरे अरे ठहरो, अरे रुको तो, क्या कर रही हो, छोड़ो तो। अरे ये गुस्सा इन किताबों पे क्यों निकाल रही है? ये तुम्हारी पर निकालूं? तोड़ डालो इस खोपड़ी को जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल बसा हुआ है। बकवास करते हो, तुम्हारी खोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों का रफ एटीट्यूड बसा हुआ है। देखो फर्ज अपनी जगह पर और प्यार अपनी जगह पर। प्यार की जगह तो तुम्हारी फर्ज ने ले ली। कितने अच्छे थे जब तुम पुलिस वाले नहीं थे, कम से कम अंडरस्टैंडिंग तो थी। अंडरस्टैंडिंग तो अब भी है। मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा इंस्पेक्टर बनना। देखो टीना, ये मेरा बचपन का ख्वाब है, तुम देखना मैं इस शहर से जुर्म का नामो निशान मिटा दूंगा। हाय हाय एवरीबॉडी, आपने मुझे याद फरमाया? हाँ, आज हमारा सोना आ रहा है। पुलिस को मुखबिरी हो चुकी है और सोना वापस भी नहीं जा सकता। सिर्फ एक रूबे हाय जो सोना निकाल कर ला सकता। हाय गुली डंडा ठीक बोलता है, रूबी ला सकता है वो सोना, मगर उसके लिए 10 करोड़ रुपया लगेगा। क्या बकवास करते हो, 10 करोड़ तो सोने की भी कीमत नहीं। सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। एज यू लाइक, जितना मर्जी आप दे दे, आप निशानी बता दे, रूबी सोना ले आएगी। निशानी ये है कि सोना एक ट्रेलर में हाईवे से गुजरेगा। हाईवे से तो लाखों ट्रॉलर गुजरते हैं सर। हमारे डिपार्टमेंट में पुलिस वाले भी हजारों हैं। तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया गया है कि तुम हजारों में एक हो। हजारों ट्रेलर्स में से एक ऐसे ट्रेलर को पहचानने की सलाहियत रखते हो जिसमें सोना जा रहा होगा। सोना नहीं जाएगा सर। रोकिए रोकिए, सुनिए लिफ्ट प्लीज। ये लिफ्ट मांगने का तरीका है? जी नहीं मोहतरमा, ये खुदकुशी का सही तरीका है मेरी जान। What? बुरा ना मानिए और इस तरह शक भरी नजरों से बिना देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम बॉबी यानी बाबर है। यहाँ एक लड़की का इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन साथ ही वो अपना बॉयफ्रेंड भी ले आई। मैं इंटरव्यू ले रहा था और वो दोनों। ची 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 ची, बस क्या अर्ज करूं, शर्म आ जाती है। कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। माय डियर जर्नलिस्ट, आप जरा सामने से हटेंगे? क्या कहा, माय डियर? किसी लड़की ने बॉबी को भी माय डियर कहा? यंग लेडी, बस इसी बात पर आपका इंटरव्यू लूंगा। जरूर जरूर, आप ऐसा कीजिए, उधर से घूम के इधर सीट पर आकर बैठ जाइए, फिर शुरू करते। कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता मेरी जान।
Open the back door. Okay, sir. क्यों गई? ओह हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि क्या मैं रेस में हिस्सा ले सकती हूँ? सोना कहाँ है? सोना? सोना नहीं, डायमंड है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। अभी तुम ट्रॉलर में से क्या लेके भागी थी? पजरी। क्या? हाँ, ये मोटरबाइक लेके भागी हूँ। कुछ है तो देख लीजिए, नहीं तो वापस जाके चेक कीजिएगा, शायद कुछ मिल ही जाए। तुम जा सकती हो। थैंक यू। सुनिए, आप भी इंस्पेक्टर सलमान हैं? यस। बहुत तारीफें सुनी थी आपकी। फिर? जितनी तारीफें सुनी थी उससे बहुत कम पाया है। अभी तो पहली मुलाकात है, आइंदा सही। कोशिश करूंगा कि जो धोखा आज खाया है फिर ना खाऊं। सी यू। अभी तक मरे नहीं? आपको देखकर तो मैं पहले ही मर गया था। मेरी जान। भाई जान। कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता कि जाओ स्पोर्ट्स कार में और आओ मोटर बाइक पर। चलिए इंटरव्यू ही लेना है ना, गाड़ी में ना सही, मोटरसाइकिल पर सही। चलो ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए। शुरू करो इंटरव्यू लेना। अभी शुरू करती हूँ।
पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता मेरी जान। ये डांट सिर्फ तुम ही दे सकती थी रूबी। हम सब तुम्हारी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। मैं भी उस इंस्पेक्टर की जहानत से बहुत मुतासिर हुई हूँ जिसने काफी दूर तक मेरा पीछा किया, वरना तो मैं कब के यहाँ पहुँच चुकी होती। जिंदगी में उससे कभी दोबारा मुलाकात हुई तो रिहाई मुबारक हो सैमा। ये खत मेरे भाई के नाम है, ये एक्स कमांडो है। जिंदगी में अगर किसी मदद की जरूरत हो तो आप इनसे जरूर मिलिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी अच्छा। सैमा, तुम जेल से कब आई? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। हाजी कैद की जंजीरें टूटी है तो रिश्तों की टूटी हुई जंजीरें जोड़ने चली आई हूं। कहां है मेरे बच्चे? बच्चे? मैं उन्हें एक नजर देखना चाहती हूँ। मगर घबराओ नहीं सलमा, मैं कसम खाती हूँ मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं उनकी माँ हूँ। बस चुपचाप दूर से देखकर चली जाऊंगी। अपनी आंखों को और दिल को ठंडक पहुंचाना चाहती हूँ। बुलाओ, बुलाओ ना। साइमा, इस वक्त वो दोनों ही नहीं है। नहीं है? फिर कब आएंगे वो? ये तस्वीर तुम्हारे बेटे सलमान की है। मेरे बेटे सलमान की? सलमान, सलमान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा सलमान, तूने देखा मेरा बेटा कितना जवान हो गया है, कितना जवान हो गया है। पिंकी की तस्वीर कहाँ है? पिंकी की तस्वीर नहीं है साइमा, वो बचपन में ही खो गई थी। मेरी बेटी खो गई? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? साइमा, मैं तुम्हें जेल में एक और दुख देना नहीं चाहती थी। यकीन करो, मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन शायद तकदीर में यही था। तकदीर? कहां कहां दुश्मन बनेगी मेरी और कितने दुख देगी मुझे? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी तकदीर से। मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। मैं शर्मिंदा हूं तुम्हारी पिंकी की हिफाजत नहीं कर सकी। कहां जा रही हो? सलमान से नहीं मिलोगी? जरूर मिलूंगी, मगर वक्त आने पर। जाओगी कहां? इंतकाम की हवा जिधर जिधर जाएगी मैं उसके साथ साथ जाऊंगी। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। साइमा, मम्मी, ये मेरी बेटी है टीना। जीती रहो बेटी, कितनी प्यारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी, ये कौन थी? ये मेरी बहुत पुरानी और प्यारी सहेली थी बेटी। Thank you.
मैं आ गई हूं इमरान, टूट गई है वो जंजीरें जिन्होंने तुम्हारे कातिलों को मेरे इंतकाम से बचा रखा था। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उनको मिटाना है जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीना, मेरी पाकिस्तान पर कीचड़ उछाला। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी उनको, चुन चुन कर मारूंगी, तुम्हारे खून के एक एक खतरे का हिसाब लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जेल से आ रही हूँ, मुझे जेलर साहब के बेगम साहिबा ने ये खत आपके नाम दिया है। उन्होंने लिखा है मैं आपकी मदद करूं। कैसी मदद चाहती हैं आप? एक्स कमांडो हैं जी। मैं कमांडो ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, सिर्फ कलाई को हरकत दो। जोश नहीं, होश चाहिए। योर ट्रेनिंग इज ओवर। मेरी जान तुम? अरे बॉबी साहब आप? मेरी जान तुम? ये मांगता जिस दिन से गिरा के गई हो, आए कूले में मीठी मीठी दर्द होती है और ये दिल तुम्हें याद करके रोता है। क्यों? ये तुमसे मांगता है फकत एक अदद इंटरव्यू। किस सिलसिले में? सिलसिला तो इंटरव्यू के बाद होगा मेरी जान, पहले इंटरव्यू तो दो। जरूर
नफरत में दीवाना होता है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता मेरी जान। इंटरव्यू, मेरे इंटरव्यू का क्या होगा मेरी जान? हाय हाय हाय। हेलो, एंजॉय करो। लेडी कमांडो, तुम्हारी मौत। आ, 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 आ,
मुझे माफ कर दो, करो जैकी, अब गोलियां चलाने का क्या फायदा? हाँ, अब पछताए क्या हो बत जब चिड़िया चुक गई खेत। हमको भी बहुत दुख हुआ बॉस। आखिर कौन है ये लेडी कमांडो? अगर मैं ये जानता होता तो ये सब गोलियां उसके सीने में उतर चुकी होती। हाय 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 हाय, इसी बेबसी पर तो तिल मिला रहे हैं हम। Yes, रानी स्पीकिंग। धंधा कैसा चल रहा है मैडम रानी? कौन है? वही मौत, जिसने टोनी के बाद तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर परवेश की जिंदगी के कागज पर लिख दिया है। क्या? हाँ, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आखिरी दिन? ओह नो। हेलो, हम जैकी से बात करना मांगता, प्लीज जल्दी करो। गाउन क्लीव। मैडम रानी ऑन द लाइन सर। यस रानी। जैकी साहब, अभी उसने हमको फोन किया। किसने? ओ डार्लिंग, लेडी कमांडो ने। लेडी कमांडो? उसने हमको धमकी दिया कि आज तुम्हारा और परवेज की जिंदगी का लास्ट डे है। तुम सुन रहा हो ना जैकी, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? हाँ सुन रहा हूँ। हम बहुत अपसेट हो गया है जैकी। तुम कहाँ से बोल रही हो? अपने अड्डे से। तुम ठीक 2 बजे वहां से निकलो और 100 आइलैंड पहुंचाओ। परवेश भी वहीं है। अगर हम अकेला बाहर निकला तो? तुम्हारा बाहर निकलना ही उस लेडी कमांडो की मौत है। मैं अभी अपने गनमैन भेज रहा हूं, वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। तुम्हें मारने के लिए जैसे ही उसने किसी भी बेल से सर निकाला, मेरे जांबाज उसे फोन कर रख देंगे। देख लेना जैकी, कहीं तुम्हारा जानबाज। घबरा दी क्यों? हमारी तरफ बंदूक की गोली तो क्या, उसकी नजर भी नहीं उठ सकती। याद रखना, ठीक 2 बजे। बॉस, लेडी कमांडो को मारने से पहले उससे ये जरूर पूछ लेना कि उसकी और हमारी क्या दुश्मनी है। उसने टोनी को क्यों मारा था? मासूम टोनी ने उसका क्या बिगाड़ा था? और अब वो हमारी सेक्सी सूजन रानी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? बॉस एक्सप्लेन मी। बकवास बंद करो। बंद कर दी। अपने साथियों को साथ लेकर मैडम रानी के अड्डे को घेर लो। घेर लिया? और जो भी मैडम रानी की मौत बनना चाहे उसकी मौत बन जाओ। बन गया। सारा काम 2 बजे से पहले हो जाना चाहिए। हो गया। तो फिर जल्दी करो। किथे, क्यों, कादे ले? मैं कहता हूँ जाओ। चलता हूँ बॉस, जरा तैयारी तो कर लूं। तो बनने वाला है मैडम।
यस, कहाँ का है? कहता है वन नाइट की कीमत तुम्हारी मर्जी की और लड़की मेरी मर्जी की। हमसे क्या पूछता है, दिखा दो लड़की। उसने जो लड़की का नाम बताया है वो कौन है? वो आप। क्या क्या पकता है तुम? हम उधर जाएगा? ओह नो, वो कहता है मुझे सिर्फ मैडम चाहिए। कोई पुराना आशिक है आपका? ओह शिट, कौन सा रूम है वो? रूम नंबर 21। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी का खरीदार। इस बेहुदा मजाक का वजह पूछ सकता है हम? जिसे तुम बेहुदा मजाक कह रही हो रानी, ये तुम्हारी जिंदगी का संगीन तरीन मजाक होगा। पहचाना मैडम? चीखो मत, वरना मेरी ये बे आवाज पिस्तौल तुम्हारी चीख खत्म होने से पहले तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। हमको माफ कर दो, हम पर रहम करो प्लीज। रहम? रहम का लफ्ज तुम्हारी जुबान की डिक्शनरी में भी है मैडम? मैडम, याद है वो दिन जब इसी घर के कमरे में मैं अपनी बीमार बच्ची को लेकर आई थी और तुमने एक नकली डॉक्टर के साथ मेरी तस्वीरें उतारी थी। वो अच्छा, तुम्हारे सुनकर भाग गया है। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर के कातिलों से हिसाब लेना है। तो बच गए मैडम। यही टाइम दिया था ना जैकी ने तुम्हें बाहर निकलने का? चलो अब मुझे 100 आइलैंड ले चलो। वही है ना परवेश? चलो। आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। क्यों? ये मुझसे पूछो बेवफा औरत। क्या कमी है मुझ में जो कभी मेरी बाहों में बाहें डालकर घर से बाहर नहीं निकली? कौन है ये चार्ली चपलन किस्म का आदमी? ये मेरे दोस्त है, चले डार्लिंग, चले। ठहरो, बंद करो दरवाजा। तुम उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक लेडी कमांडो तुम पर अटैक न करें और मैं लेडी कमांडो को गर्दन से पकड़ न लूं। उसने अगर बात करना होता तो अब तक कर चुकी होती। मुझे तो ये सब कुछ जोक लगता है। प्लीज प्लीज तुम लोग जाओ। हम तो चले ही जाएंगे, मगर तुम अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ कहाँ जा रही हो डबल लफंगी? हम लोग एंजॉय करने 100 आइलैंड जा रहे हैं। ओ वेरी गुड, गो एंड एंजॉय। गो 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 गो। जल्दी करो, उधर जाके मरो। सर, मुझे फोन करती है जान बचाने के लिए और जाती है अपने किसी पुराने चाहने वाले के साथ एंजॉय करने। सर, वो तो वाकई सेक्सी सुनन लग रही थी और जिस लड़के के साथ जा रही थी वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं था। किसी ने हमला तो नहीं किया? नहीं सर, मैं तो वहां सीना तान के खड़ा रहा। मैंने कहा आओ ए, मगर किसी ने हमला नहीं किया। मेरा ख्याल है सर, लेडी कमांडो ने टेलीफोन पर आपसे फौड़ मारा है। टेक इट इजी, डरो नहीं,
शेर बनो शेर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हंड्रेड आइलैंड जाने की तैयारी करो। नहीं परवेज, मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। नहीं, तुमसे पहले जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई सबने यही बोला और मैंने सबको यही जवाब दिया कि मेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की लकीर है। आज एक और लकीर का इजाफा कर लो परवेज, जो तुम्हारी मौत की लकीर होगी। पहचानो परवेश, आज से 14 साल पहले की साइमा और आज की लेडी कमांडो यानी तुम्हारी मौत। मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। भागो जहां तक भाग सकते हो, भागो भागो। तुम दोनों जिंदगी में पार्टनर रहे हो और आप मौत में भी पार्टनर बनोगे। तुम औरत छोड़ो और प्रणाम करो। नहीं, तुम औरत नहीं। अगर तुम औरत होती तो मेरे सुहाग को ना उजाती, मेरे बच्चों को ना मुझसे दूर करती। तुम्हारे लिए मेरा इंसाफ ये कहता है कि मैं इस लसी को काट दूं। लेकिन नहीं, इस तरह तुम एक झटके में मुंह में चली जाओगी। जैसे जैसे रस्सी के बल कटेंगे, तुम अपने आप को मौत की तरफ बढ़ते हुए देखो और सोचो, औरत को तुम्हारी तरह घिनौना होना चाहिए या नहीं। मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं शरीफों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। जो जिंदगी मैंने जेल में गुजारी है उसका हिसाब तुम्हारी मौत पर आकर खत्म होता है। मैडम रानी, क्या हुआ? लेडी कमांडो, तुम परवेश को बचा सकता है तो बचा लो। तुम लेडी Thank you.
हदवाने तेनू किले फेर दिता। ये लेडी कमांडो कौन है? उसकी मैडम रानी और परवेज से क्या दुश्मनी थी? और आपने बताया था कि आपके भाई को भी इसी नाम की औरत ने मारा है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसके अलावा और कौन मार सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो डर है कि कहीं वो लेडी कमांडो हमारे बॉस को भी। इंस्पेक्टर, हम नहीं जानते कि ये लेडी कमांडो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। हमें अपना कोई ऐसा दुश्मन याद नहीं आ रहा जिसकी तरफ हम इशारा भी कर सके। आप सोचें, अगर आपको किसी पर शक हो तो हमें इत्तला जरूर दीजिएगा, फिर मुमकिन है हम लेडी कमांडो तक पहुंच सकें। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। जरा सुनिए जी, मैडम रानी, परवेज या टोनी किसी इमरान नाम के आदमी को जानते थे? जी, इमरान नाम के एक वकील ने टोनी को एक केस में सजा दिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको तो उसकी बीवी ने कत्ल कर दिया था। वो कह रहे थे मेरी जान टूट गई है वो जंजीरें जिन्होंने तुम्हारे कातिलों को मुझसे बचा रखा है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ उनको मिटाना है। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्द लेडी कमांडो तक पहुंच जाऊंगा। इस तरह अकेले घर से मत निकला करो बेटी। अरे तुम, आप कमाले, आपने मुझे पहचान लिया। हमारी छोटी सी मुलाकात तो हुई थी, उस छोटी सी मुलाकात के बाद तुमने भी तो मुझे पहचान लिया है। हाँ ये भी ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ, आइए ना प्लीज। कहाँ जाना है आपको? ग्रीन पार्क वाले कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में? हाँ बेटी, वहाँ मेरी जिंदगी है। जिंदगी कब्रिस्तान में? कभी कभी जिंदगी कब्र में भी सोती है बेटी। छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी मम्मी कैसी है? आपको बहुत याद करती है। सलमान कैसा है? आप सलमान को कब मिली थी? वो मेरा बेटा है, मेरा मतलब है जैसे तुम मेरी बेटी हो। गाड़ी यही रोको। शुक्रिया बेटी। मैंने उन तीनों इंसानों को मौत की नींद सुला दिया है इमरान, जिन्होंने हमारी जिंदगी में आग लगाई थी। तीन इंसानों को मौत की नींद सुलाने का मतलब तीन कत्ल। मेरा पिस्तौल। पिस्टल मेरी गाड़ी में रह गया था, ये ले। थैंक यू बेटी। आंटी, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, क्यों रखती हैं आप? इसलिए कि मेरा वास्ता ही बहुत खतरनाक लोगों से है। छोड़ें, यही है वो औरत। अपनी जगह से हिलना मत। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें तीन इंसानों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मेरा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ इंस्पेक्टर, मेरे रास्ते में मत आओ।
आज के बाद तुम्हारा हर रास्ता फांसी के फंदे की तरफ जाएगा, लेडी कमांडो। ये कैसी जंगजू औरत है मेरी जान, इसका तो इंटरव्यू लेना चाहिए। छोड़ दो मुझे, क्या कर रही हो? भाग गई, निकल गई तो क्या हुआ, फिर आएगी, यानी कि मुझे फिर इतना देना होगी मेरी जान। शट अप! तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं क्यों, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसको गोली मारो। तुम उसे कैसे जानती हो, उसे कैसे मिली? तुम नहीं जानते, वो मम्मी की सहेली है। तुम उसके मुतालिक क्यों पूछ रहे हो? वो 3 इंसानों को कत्ल कर चुकी है और अगर उसे गिरफ्तार ना किया गया तो वो ना जाने और कितने कत्ल करेगी। वो बहुत जालिम औरत है। तुम जिसे जालिम कह रहे हो वो बहुत मजलूम औरत है बेटा। मजलूम? हाँ, उसने अपने ही शौहर के कत्ल के जुर्म में 14 साल सजा काटी है, हालांकि वो बिल्कुल बेगुनाह थी। ये आप कैसे कह सकती? इसलिए कि मैंने ही उसका मुकदमा लड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से उसे इंसाफ ना दिला सकी। अगर वो बेगुनाह होती तो उसे इंसाफ जरूर मिलता। आपको याद है कि इस मुकदमे में और कौन कौन इन्वॉल्व था? हाँ, क्यों नहीं, परवेज, मैडम रानी, जैकी और डेव। थैंक यू आंटी, मुझे आपसे सिर्फ इतना ही पूछना था। आपकी इत्तला के लिए वो अब तक परवेज, टोनी, रानी को मार चुकी है, अब मुझे जैकी और डेव को बचाना है। कहते हो जैकी, लेडी कमांडो साइमा है? हाँ, ये बात पुलिस की मार्फत मुझ तक पहुंची है। हेलो, जैकी स्पीकिंग। 3 खत्म हो गए हैं जैकी, अब तुम्हारी बारी है। सुनो साइमा। साइमा तो मर चुकी जैकी, लेडी कमांडो कहो, इंतकाम कहो, बीते दिनों का हिसाब कहो। तुमने अपनी मौत को बहुत भयानक बना लिया लेडी कमांडो। मौत को मौत से नहीं डराओ जैकी, तुम मुझसे डरो। मैं मौत बनकर किसी वक्त भी तुम तक पहुंच सकती हूं। क्या कह रही थी? अब मेरी बारी है। उसकी इतनी जुर्रत? वो हमारे 3 साथियों की लाशों पर खड़ी होकर ये बात कर रही है, उसकी बात में वजन है। मैं तो इंस्पेक्टर सलमान को फोन कर रहा हूं कि वो हमारी जिंदगियों की हिफाजत करे। तुम बेवकूफ हो, पुलिस अगर हमारे इतने करीब आ गई तो हमारी असल सूरतें देख लेगी, हमारे तमाम नाजायज काम बेनकाब हो जाएंगे, नमाल आ सकेगा, नमाल जा सकेगा। तो फिर हम करें क्या? मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए हम ये मुल्क ही छोड़ दें। मुश्किलों की तरह मत सोचो, मुकाबला करो। मुकाबला कौन करेगा? मुझसे पूछिए, मैं बताता हूं। जल्दी करो, जल्दी बताओ। जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए। बता दो ना यार। मैं बताता हूं और तुम दोनों की जान बचाता हूं। जैसे किसी लोहे को काटने के लिए किसी लोहे की जरूरत होती है, हाँ, वैसे ही उस लेडी कमांडो को खत्म करने के लिए एक लेडी कमांडो चाहिए, और वो लेडी कमांडो है।
आखिर वो है कौन? वो कौन है? रूबी। रूबी, योर फोन। हेलो यस। मैं आ रही हूँ। रूबी अभी तक क्यों नहीं आई? डोंट वरी परेशान कुन बॉस, रूबी आ जाएगी। पापा, क्या बात है? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है रूबी बेटी। लेडी कमांडो हमारे दोनों बॉसों के सरों पर मौत की चील बनकर मंडला रही है। कौन है ये लेडी कमांडो? ये है लेडी कमांडो। ये है लेडी कमांडो? हाँ, अरे वो सामने आए तो कुछ बात बने। हमारे दोनों बॉस भी कोई इतने गए गुजरे नहीं है जो उसका मुंह तोड़ मुकाबला न कर सके, मगर लेडी कमांडो का तो कुछ पता ही नहीं चलता। कभी रोशनदान से आ जाती है, कभी दरवाजे से आ जाती है, कभी पानी से सर निकाल देती है और कभी छत से नीचे टपक पड़ती है। बेटी, ये मेरी इज्जत का सवाल है और मेरे बॉसों की जिंदगी का भी सवाल है। तुम भी लेडी कमांडो बन जाओ और लेडी कमांडो बनकर उस लेडी कमांडो का मुंह तोड़ मुकाबला करो और उसकी लाश लाकर मेरे शिकस्त खुर्दा बॉसों के कदमों में डाल दो। बस फिनिश। कुछ करो रूबी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, मैं लेडी कमांडो की मौत बन जाऊंगी। मुझे मत थड़ो को सलमा, मेरी जिंदगी का मकसद ही उनकी मौत बनना है। और मेरे रास्ते की दीवार जो कोई भी बना, मैं उसको तोड़ते हुए उन तक पहुंच जाऊंगी। ओह खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ कानून के रूप में तुम्हारा बेटा है। यही तो दुख है जिसे मैं मारना चाहती हूँ। वो कानून का महाफिज बनकर उन्हें बचाना चाहता है। तुम मुझे इतनी इजाजत दो, मैं सलमान को हकीकत बता दूं। नहीं सलमा, नहीं, उसे अपना फर्ज निभाने दो और मुझे अपना इंतकाम लेने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिस दिन मैंने अपना इंतकाम ले लिया, उस दिन मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। फिर मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारी मजलूम माँ क्या थी और क्या बन गई है। अभी उसे यही समझने दो कि मैं लेडी कमांडो हूं और उसे गिरफ्तार करना है मुझे। मगर ये मानते ही नहीं। चुप रहो।
जैकी, सुना है तुम्हें अपना ये घर बहुत पसंद है। आज ये घर तुम्हारी मौत बनेगा। इस घर के चारों तरफ मैंने डायनामाइट का जाल बिछा दिया है। इस जाल का कंट्रोल मेरे हाथ में है। सिर्फ एक बटन दबाने की देर है। मेरी बात तो सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। रस्सी से बांधो इसे। रस्सी? हाँ याद आया बाजी, आज इन्होंने मुझे एक रस्सी दी थी जैसे कोई किसी खूनखार बैल को बांधता है। बाजी कमांडो, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं जाऊं? नहीं, तुम यही रहोगे। नहीं बाजी कमांडो, मेरा तो इनके साथ कोई वास्ता ही नहीं है। मैं तो इनको जानता तक नहीं। मैं तो वैसे ही इनको मिलने के वास्ते आया था। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे मत मारिए। मेरे दो छोटे छोटे यतीम माँ बाप है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो रो ही जाएंगे। खाना खराब है पुत्र, तुम उन्हें कितने तक कर गया। माथे से पसीना पोंछ लो जैकी, जालिमों की तरह मरो। तुम्हारे चेहरे पर मजलूमों जैसे तासुरात अच्छे नहीं लगते। मैं मर गया और धमाका मत करना, मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं चलेगा लेडी कमांडो। तुम्हारे डायनामाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में है। थैंक यू हरकुलिस बॉल, मार लिया मैदान। अब बताओ लेडी कमांडो, तुम बड़ी लेडी कमांडो हो या हमारी बेटी रूबी बड़ी लेडी कमांडो है? तुमने मेरे रास्ते की दीवार बनकर अच्छा नहीं किया लड़की। सिर्फ दीवार बनना ही नहीं, तुम्हारी मौत बनना भी मेरा मिशन है। तुम मुझे नहीं रोक सकती, इसे हर हाल में मरना है। इसे हर हाल में जीना है। मैं तुम्हारी लाश को जैकी के कदमों में फेंकने का वादा कर चुकी हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ लड़की। चिटाने रास्ते से हटा नहीं करती। मैं बारूद हूँ, रेजा रेजा हो जाओगी। तुम्हारा बारूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तुम देख चुकी हो। तो बचकर निकलो बॉस और जाकर मिठाई बांटो। Thank you.
सब कुछ हमारे आदमियों की गलती की वजह से हुआ। डोंट वरी, मैं एक अटेम्प्ट और करूंगी। एक क्या, अब तो हमारे पास भी एक ही चांस है। हेलो, डेव को फोन दो। अच्छा तुम, खुशकिस्मत हो तुम जो हमारे आदमी की गोली तुम्हें लगने के बजाय मुझे आ लगी। और तुम, मैं कहती हूँ डेव को फोन दो, मुझसे बात करो। तुमसे क्या बात करूं, तुम तो खुद उसके हाथों में खिलौना हो। अगर फोन नहीं देना तो उसे कह दो अब उसका नंबर है। तुम जैसी जितनी लेडी कमांडो अपनी मौत के रास्ते में खड़ी कर सकता है कर ले। मैं मौत की आखिरी हिचकी बनकर उस तक पहुंचने वाली हूं। कहां जा रही हो? लेडी कमांडो से मिलने। लेकिन वो है कहां? जब वो मुझसे बातें कर रही थी तो वहां से जहाजों के उड़ने की आवाजें आ रही थी जो एयरपोर्ट के करीब है। और जिस ग्रीन पार्क वाले कब्रिस्तान का जिक्र आपसे इंस्पेक्टर ने किया था वो भी एयरपोर्ट के करीब है। इतना करीब आकर वो अपने शौहर की कब्र पे जाएगी जरूर। कहाँ जा रहे थे? पुलिस को इत्तला देने? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं एक औरत से डरकर अपना बयान बदलने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और तुम जैसी क्रिमिनल औरतों के रोम में मैं नहीं आता। वादा करो तुम पुलिस को मेरे बारे में नहीं बताओगे। झूठा वादा भी नहीं करूंगा। मुजरिम की निशानदेही करना हर शरीफ शहरी का फर्ज है। मैं भी फर्ज ही निभा रही हूँ बेटा। अच्छा, कत्ल करना भी आपका फर्ज है मैडम? सिर्फ उन जालिमों से इंतकाम ले रही हूँ जिन्होंने मेरे शौहर को मार डाला, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा कर दिया। जब तक उनमें से एक भी जिंदा है कोई ताकत मेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मैं हूँ तुम्हारे रास्ते की दीवार। मेरी जान, तुम शट अप, हट जाओ मेरे रास्ते से। इससे पहले कि ये दीवार तुम पे गिरे यहां से गायब हो जाओ। चलो, मैं तो खुद ही इजाजत देने वाला था। मौत को सामने देखकर घबरा गई? तुम तो सरापा जिंदगी हो, तुम्हें मौत कौन कह सकता है? मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाना चाहती। आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम्हें मारना मेरी ड्यूटी है, मुझे देव तक तुम्हारी लाश पहुंचानी है। इसका मतलब है तुम और बस्ती में गिर जाना चाहती हो, गुनाहों की दलदल में धस जाना चाहती हो। कितनी प्यारी और मासूम हो तुम, फिर इतने बुरे लोगों के लिए ये काम क्यों करती हो? मौत से बचने के लिए मुझे मीठे बोलों का जहर पिलाना चाहती हो? मेरा जहर सिर्फ दुश्मन और गुनाहगारों के लिए है, तुमसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहां से। तुम्हारी लाश लिए बगैर नहीं जाऊंगी। Thank you.
हरकत ना करना। आज मेरा लकी दिन है, एक कातिला एक स्मगलर एक साथ काबू में आ गए। तुम बहुत बेवक्त आए हो इंस्पेक्टर, मुझे इस औरत को हर कीमत पर मारना है, चाहे इसके लिए मुझे तुम जैसे कानून के वफादार का सीना ही क्यों ना छलनी करना पड़े। खबरदार, एक माँ के होते हुए कोई बेटे की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। बहुत चालाक और मक्कार हो तुम, मगर तुमको मेरी तरफ से कोई रियायत नहीं मिलेगी। तुम जैसी औरत के मुंह से बेटा कहलवाना मेरे लिए गाली। बेटे शट अप, इन्हें गिरफ्तार कर लो। जा इंस्पेक्टर, तेरा खाना खराब, तेरी आंखों में कूकरे पड़ जाए और तू अन्ना हो जाए। थोड़ी देर और लेट पहुंच जाता तो लेडी कमांडो की लाश रूबी के कंधे पर होती और वो उसे यहां पर पटकती। लेकिन इंस्पेक्टर ये चांस कैसे मिस करता, ये गिरफ्तारियां तो उसे तरक्की दिलवाएंगी। मुझे तुम्हारी इस तरक्की से कोई खुशी नहीं हुई सलमान, इसलिए कि तुमने एक बेगुनाह मजलूम औरत को गिरफ्तार किया है। बेगुनाह इंसानों के खून से हाथ रंगने वाली को आप मजलूम और बेगुनाह कह रही हैं? वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। मेरे लिए ये औरत दरिंदे से बदतर है, जो आवारा बदचलन गुनहगार और कातला है। सलमान! एक क्रिमिनल औरत की हिमायत में आज आपका हाथ मुझ पर उठ गया। आंटी, आखिर उस गुनहगार औरत से आपका क्या रिश्ता है? बार बार उसे गुनहगार कहकर अपने आप को गुनहगार मत करो। जिसे तुम आवारा बदचलन और गुनहगार कह रहे हो वो और कोई नहीं, तुम्हारी। कौन है वो मेरी? आप रुक क्यों गई, बताइए ना। बताइए ना, जवाब दीजिए। आपको मेरी कसम आंटी, वो औरत कौन है मेरी? वो बदनसीब औरत तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? हाँ सलमान, वो तुम्हारी माँ है। उसका गुनाह ये है कि उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। जो सजा उन जालिमों को कानून को देना चाहिए थी वो सजा वो खुद दे रही है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? हाँ, जिन लोगों को साइमा ने कत्ल किया है वो तुम्हारे बाप के कातिल थे। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद हवालात में जाकर उस बदकिस्मत माँ के चेहरे पर लिखी हुई तहरीर पढ़ ले, उसकी आंखों में झांक कर देख ले, तुझे माँ की ममता फरियाद करती हुई नजर आ जाएगी। लेडी कमांडो कहाँ? सर उसे पसाया जेल मुंतकिल कर दिया गया। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूं? हाँ, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों भाग सकते हैं। यहां से निकलकर भाग तो नहीं जाओगी? नहीं, पहले तेरे साथ फैसला करूंगी, फिर मैं अपने दुश्मन तक पहुंचूंगी। बूढ़ी हो गई हो मगर हिम्मत अभी तक जवान है। Ah!
लेडी कमांडो और रूबी भाग गई। क्या हुआ सर? लेडी कमांडो और रूबी भाग गई हैं। ओह नो। ओह यस। यकीनन ये रूबी की स्कीम होगी, वो मौत के मुंह में ले जाएगी उस लेडी कमांडो को। Hey!
तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे जिंदगी क्यों दी? क्यों बचाया मुझे? बोलो, क्यों बचाया मुझे? इसलिए कि मैं एक माँ हूं और तुम मेरी बेटी जैसी हो। पता नहीं क्यों मुझे मुझे रूबी अभी तक लेडी कमांडो की लाश लेकर पहुंची नहीं। बॉस, क्या है? फर्ज कर लीजिए, अगर रूबी लेडी कमांडो की लाश लेकर यहां आ गई तो आप इनाम में क्या देंगे? हमने तुम्हें और रूबी को बहुत बड़ा इनाम देने का फैसला किया है। ओह माय गॉड बॉस, ये इनाम नोटों की शक्ल में होगा या सोने की शक्ल में? अपने आप की शक्ल में। मैं कुछ समझा नहीं। हम अपने आप को उस इनाम में देंगे, हमेशा के लिए अपना लेंगे उसे। आज से वो सिर्फ हमारी कारिंदा नहीं, हमारी कीप, हमारी रखेल बनकर जिएगी। जबान संभाल कर बात करो देव, तू भी मेरी बेटी है, ब्रैथल हाउस में पलने वाला माल नहीं। होश में आओ जिम्बी, तुम हमारे टुकड़ों पर पलने वाले अदना गुलाम हो। इस थप्पड़ की जोरदार आवाज तुम्हें तुम्हारी हकीकत याद दिला देगी, समझा देगी तुम्हें कि हमारी तरफ से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दी गई इज्जत हमारी भूल है। और ये भूल सिर्फ इसलिए की है कि हमारे बुढ़ापे को अब रूबी जैसी खूबसूरत और जवान लड़की की जरूरत है। जंजीरें कट गई है, मगर न जाने क्यों इस रिश्ते के टूटने पर अफसोस हो रहा है। तुमने मुझे जिंदगी देकर अपनी जिंदगी बचा ली है लेडी कमांडो, लेकिन हमारे दरमियान दुश्मनी का रिश्ता कायम है। हमारे दरमियान कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। यूं लगता है जैसे मैंने तुम्हें नहीं खुद अपने आप को बचाया है। शट अप! मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर सलमान कहाँ है? सर, उन्होंने रिटायर कर दिया है। क्यों? इसलिए? आज हाथ तुम्हारी मां बन जाएंगे जो उस वक्त बहुत छोटे थे जब तुमने मेरे मां बाप पर जुल्म ढाए थे।
आज मैं हर जुल्म का हिसाब लेने आया हूं। बंद उस कानून के मुहाफिज और लेडी कमांडो के बेटे को। रूबी इसकी मां की लाश ले आए तो हम इसके साथ उसको भी जिंदा दफन कर देंगे, ताकि इंतकाम का यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ले जाकर बांध दो इसे। ले जाओ। बाबा। रूबी तुम आ गई बेटी, क्या तुमने लेडी कमांडो को मार दिया? तुम बोलती क्यों नहीं? पापा, आज मैंने पहली बार अपने आप को बेबस पाया है। मैंने सोच लिया है। कुछ मैंने भी सोच लिया है बेटे। डेविड के थप्पड़ ने आज पहली बार मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। आज पहली बार मेरे जमीर को झटका लगा है। न जाने क्यों मैं तुम्हारा बाप ना होते हुए भी आज तुम्हारा बाप बन गया हूं। क्या कह रहे हो बाबा, तुम तो हो ही मेरे बाप। नहीं बेटे, मैं तुम्हारा बाप नहीं। तो फिर कौन है मेरा बाप? बता दे क्यों नहीं, कौन है मेरा बाप? बेटे मैं तो सिर्फ तुम्हारी मां को जानता हूं, जो इस शहर की सब बड़ी वकील है। मां, कौन हो तुम? अपनी बेटी को नहीं पहचाना मां? बेटी? हां, मैं ही तुम्हारी बेटी हूं। जब मैं छोटी सी थी तो मुझे अगवा कर लिया गया था। जिसने मुझे पाला उसने आज मुझे बताया है कि तुम मेरी मां हो। ये निशानी भी दी है। पिंकी, मेरी बेटी, तुमने मुझे पहचान लिया मां? हाँ पिंकी, मां मां बेटी, तुम्हारा भाई तुमसे मिलकर कितना खुश होगा। मेरा भाई? कौन है मेरा भाई? कहाँ है वो? तुम्हारे भाई का नाम इंस्पेक्टर सलमान है। इंस्पेक्टर सलमान? वो मेरा भाई है। हाँ पिंकी, वो तुम्हारा भाई है। और तुम्हारी माँ? मेरी माँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ पिंकी। तुम्हारी माँ जेल जाते वक्त तुम दोनों को मेरे पास छोड़ गई थी। तुम मेरी माँ नहीं तो मेरी माँ कौन है? कौन है मेरी माँ? तुम्हारी माँ लेडी कमांडो है। तुमने मेरे इलाके में कदम रखा ही था तो
तो मुझे तुम्हारी आमद का पता चल गया था। कितने मजे की बात है, तुम मुझे घेरना चाह रही थी और मैं तुम्हें, और मैंने तुम्हें घेर लिया। बहुत सारी कामयाबियों के बाद तुम्हारे हिस्से में नाकामी आई है लेडी कमांडो। हैंग द पिस्तौल। ये पिस्तौल मेरे हाथ से उस वक्त छूटेगी जिस वक्त इसकी गोलियां तुम्हारी जिंदगी छीन लेगी। दे। रुक जाओ। इसकी जिंदगी छीनने से पहले एक नजर इस मौत के फरिश्ते पर भी डाल दो। जैकी, तुम अभी तक जिंदा हो? मौत भी कभी मरती है। पिस्तौल फेंक दो वरना मर जाएगा ये बेचारा पुलिस इंस्पेक्टर। ए लेडी कमांडो, पहचाना कौन है ये? सलमान, मेरी बेटी। बेटे को पहचान लिया तो बेटे की तरफ उठी हुई क्लाशनकोफे भी देख लो। तुम एक गोली चलाओगी, तुम्हारे बेटे पर 101 गोली बरसेगी। इनकी 101 गोली से बदतर ना मां। मां, तूने मुझे मां कहा? मां को मां ना कहूं तो फिर क्या कहूं? मां, तू मेरी मां है और जिस बेटे के साथ मां और खुदा हो उस बेटे को ये शैतान नहीं मार सकते। बच्चा है, नहीं समझता। मां मर जाए लेकिन बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती, है ना लेडी कमांडो? सलमान, तुम कैसी मां हो? मां, मैं तुमसे बदतमीजी करता रहा और तुम मुझे प्यार से देखती रही, पढ़कर तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मां, बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी मां हो? मां हो, मां हो, जिसके लिए मैं दिन रात तड़पा हूं। मां, तड़पी तो मैं भी बहुत हूं मेरे बेटे। तुम्हें बरकर गले इसलिए नहीं लगाया था, इंतकाम की आग सिर्फ मेरा हिस्सा है और तुम कानून हो। कानून से पहले मैं तुम्हारा बेटा हूं मां। बहुत मिल लिया मां और बेटे ने, अब बेटे के साथ मां को भी बांध दो। इसने हमारे साथियों को बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था। फिक्र ना करो पार्टनर, हम इनसे भी ज्यादा भयानक सलूक करेंगे। बहुत बम चलाए हैं तुमने लेडी कमांडो, आज हमारी बारी है। एक धमाका होगा और तुम दोनों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इस खौफनाक मौत से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हमें मारने आई थी, अब हम तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की मौत का मंजर अपनी आंखों से देखेंगे। Ha 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 ha
रूबी उल्लू की बच्ची क्या कर रही है? रही उसके लिए मुझे माफ कर देना माँ। पिंकी माँ, पता नहीं जिंदगी रहे या न रहे। फिक्र ना करो बहन, भाई के होते हुए कोई भी बहन का पाल पीका नहीं कर सकता। मैं अपने पाप के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस बात का दुख है कि मैं सारी जिंदगी अपने पाप के कातिलों का साथ देती रही। ये बातों का वक्त नहीं है बेटी, जल्दी चलो कहीं दुश्मन हाथ से ना निकल जाए। जल्दी आओ। तुम्हारे हाथ से बचकर कहां जाओगे? मौत हर तरफ तुम्हारे सामने खड़ी है। और रूबी, तुम हमारे टुकड़ों पर पलने वाले आस्तीन के साथ तुम्हारी ये जरूरत? हम गद्दारों के साथ जो सलूक करते हैं वो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। खत्म कर दो इन्हें। Come on.
क्या किया माँ? माँ, मेरे होते हुए तुम दोनों को कोई नहीं मार सकता। मेरा शिकार है, मैं इन्हें मारूंगी, बांध दो इन्हें। अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ कुत्तों, ये मेरा इंसाफ है। अरे बाप, कत्लो गारत ते डजा डस तो मैंने भी बहुत किया है, मैं यहीं बैठ जाता हूं कनी कतरा के, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। वेलकम वेलकम टू ओपन ईयर। प्यार ऐसे करेंगे